क्या शिवांशी के गीत ने पाहिरा के गीत को पीछे छोड़ दिया है? क्या शिवांशी का गीत लोगों को इतना पसंद आया कि पाहिरा गीत को लोग भूल गए हैं? क्या है पूरा मामला? मैं हिना कुमार फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी कि क्यों शिवांशी के फैंस हो रहे हैं खुश। दरअसल एक हफ्ते पहले भी नहीं 10 तारीख को, यानी कि आज 22 तारीख है, तो लगभग 11 दिन पहले बारिश गीत आया था पाहिरा का, जिसमें थी पारस छाबड़ा और माहिरा की जोड़ी। बारिश गाना उसको जो है अभी तक 14 मिलियन व्यूज मिले हैं टोनी कक्कड़, और टोनी कक्कड़ के लिरिक्स से टोनी कक्कड़ का म्यूजिक था और सोनू कक्कड़ ने इस गीत को गाया था, और इस गीत को जो है मिले हैं 14 मिलियन व्यूज अभी तक, और इस गाने ने 57.1 के लाइक्स मिले हैं, 136 डिसलाइक मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये गाना जो 11 दिन पहले रिलीज हुआ था वो अभी 14 मिलियन व्यूज पा चुका है। अब मैं बात करती हूँ कल्ला सोना नहीं। कल्ला सोना नहीं को अगर मैं चेक करूँ तो वो 19 को रिलीज हुआ है, आज 22 तारीख है, इसको 16 मिलियन व्यूज मिले हैं। जी हाँ, नेहा कक्कड़ के गाए इस गाने को 16 मिलियन व्यूज मिले हैं। म्यूजिक रजत नागपाल का है, लिरिक्स लिखे हैं बाबू ने। तो कहीं ना कहीं इन दोनों गीतों का कंपैरिजन जो है हो रहा था, जब से इस बात का पता चला था कि पाहिरा का भी गीत आ रहा है और शिवांशी का भी आ रहा है, तो फैंस इस बात को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक थे कि आखिर इन दोनों में से किस गाने को सबसे अच्छे व्यूज मिलेंगे। तो साफ बात है कि ये जो 2 दिन पहले गाना आया है शिवांशी का गाना, वो जो है इस रेस में बाजी मार ली है उसने, क्योंकि उसको जो है ज्यादा व्यूज मिले हैं। लेकिन दोनों ही गानों को देसी म्यूजिक फैक्ट्री ने ही प्रेजेंट किया था। ऐसे में शिवांशी के जो फैंस हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी खुश हो रहे हैं, और गाने को जो व्यूज़ मिले हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और जो इस बात को लेकर खुश है कि शिवांशी का गीत 2 दिन में ही उतने व्यूज़ उसको मिल गए जितने पाहिरा सॉन्ग को 10 दिन में नहीं मिले थे। तो ये वाकई में शिवांशी फैंस के लिए खुशी की बात है। लेकिन अगर मैं खुद पर्सनली दोनों गानों की बात करूँ तो मुझे दोनों ही गानों का जॉनर बहुत ही अलग लगा और दोनों ही गीत बहुत ही पसंद आए। लेकिन आपका गीत इसमें से कौन सा फेवरेट था कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं जितने भी अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो मैं अपने इसमें डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शंस में, तो हो सके तो उन सबको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं बहुत सारी, जैसे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक या टिकटॉक पर, मैं कई ऐसी स्टोरीज डालती रहती हूँ जो मैं यूट्यूब पर नहीं डालती। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सोशल मीडिया के हैंडल्स भी ज़रूर फॉलो कीजिए।